नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्पलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा पांचवी के बोर्ड परीक्षा 2019 के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यह वीडियो। क्लिक करें सब्सक्राइब के बटन पर और दबाए बेल आइकन। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ गूगल में आकर राज रमसा सर्च करना है। राज रमसा सर्च करते ही ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन आपके सामने अपीयर होगी, उस स्क्रीन में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है स्कूल ऑफिस लॉगिन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपने स्कूल का शाला दर्पण आईडी डालना है। मैं डाल दे रहा हूँ अपने स्कूल का। इसके बाद में जो पासवर्ड आपने सेट कर रखा है वो डालना है, और यहाँ जो नीचे एक कैप्चा शो हो रहा है, इस बॉक्स में आपको वो कैप्चा सही सही एंटर करना है और लॉगिन बाय यूजर नेम पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है। स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद एक मेन्यू ओपन होगा आपके सामने। यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं नीचे एक ऑप्शन आ रहा है क्लास फिफ्थ एडमिट कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं सत्र, जो कि ऑलरेडी फिल्ड है, इसके बाद क्लास फिल्ड है ऑलरेडी, फिफ्थ और सेक्शन आपको सेलेक्ट करना। अगर एक से ज़्यादा सेक्शन होते हैं तो यहाँ पे ए बी सी डी करके होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्लासेज में स्कूल्स में एक ही सेक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे ए शो हो रहा है। और इसके बाद में गो पर क्लिक कर देना। जैसे आप गो पर क्लिक करते हैं एक स्क्रीन आती है, तो इस स्क्रीन में आपको आपके स्कूल में रजिस्टर्ड सभी बच्चों के डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ देखिए इस स्कूल में एक से लेकर 10 तक के बच्चों के सीरियल नंबर शो हो रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल 10 बच्चों की डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है। इसके लिए बाद में आपको यहाँ पे अगर किसी का जिसका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, उसके आप आगे व्यू पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको उस बच्चे का एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। एडमिट कार्ड शो होने के बाद में आप यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस साइड में प्रीव्यू लोड हो गया है, ये प्रीव्यू आ गया है। इसके बाद में यहाँ पे मेरे यहाँ प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, इसलिए प्रिंटर शो नहीं हो रहा। यहाँ पे आप प्रिंटर सेट करके प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक साथ बहुत सारे बच्चों का प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू ऑल पर क्लिक करके सभी बच्चों का एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें सभी बच्चों का एडमिट कार्ड आप प्रिंट कर सकते हैं। ये शो हो गया है दोस्तों, यहाँ पे आप सभी बच्चों की डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। इसके बाद में सीधा यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बटन है प्रिंट, इस पर क्लिक करके सभी बच्चों के एडमिट कार्ड एक साथ आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटिंग के लिए कुछ नॉर्मल सेटिंग्स है, वो नॉर्मल सेटिंग्स आप फॉलो करते हुए, पेज सेटिंग है, मार्जिन सेटिंग है, वो करते हुए आप सभी बच्चों का एडमिट कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक पेज में नहीं आ रहा, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रिंटर के अकॉर्डिंग आप ये डिटेल सेट कर सकते हैं। इसके बाद में पांचवी बोर्ड, अगर आपका सेंटर, आपके स्कूल में सेंटर है, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट पर क्लिक करके एग्जाम सेंटर वाइज स्कूल वाइज रोल नंबर अलॉटेड स्टूडेंट रिपोर्ट आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां देख लीजिए आपकी स्कूल में किस किस स्कूल के विद्यार्थियों का पांचवी बोर्ड का सेंटर है, तो यहां पर उन स्कूल के नाम आ जाएंगे। यहां प्रत्येक स्कूल के हिसाब से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहां देखिए मैं एक स्कूल का एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके शो कर रहा हूँ। यहाँ सभी बच्चों के एडमिट कार्ड यहाँ पर आ गए हैं। आप उस विद्यालय के बच्चों का एडमिट कार्ड यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये दूसरा तरीका था, वो उन
उस स्कूल में यह शो होगा, ये दूसरा वाला ऑप्शन जिस स्कूल में परीक्षा का सेंटर है। और अगर आपकी स्कूल में कलेक्शन सेंटर है, कॉपीज़ का कलेक्शन सेंटर है, तो आप लोगों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो इस तरह से आप अपने पांचवी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।